फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय हेल्थ 2021। फ्रेंड्स हम हेल्थ से रिलेटेड जानकारी हमारे चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड जानकारी टाइमली मिलती रहे। फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है हम जो भी मार्केट से सब्जी या फ्रूट्स लेके आते हैं वो पेस्टिसाइड से फ्री कैसे करें। जैसे भी हम मार्केट से कुछ सब्जी लेके आते हैं फ्रूट्स लेके आते हैं तो हम सभी जानते हैं कि इस पे पेस्टिसाइड स्प्रिंकल किया रहता है ताकि उसका राइपनिंग अच्छी तरह से हो, ताकि उस पे कीड़े या मकोड़े कुछ लगे नहीं, जिसके कारण वो सब्जी को या फ्रूट्स को कुछ हानि पहुंचे। लेकिन ये हानि वो फ्रूट्स को नहीं पहुंचती है, लेकिन वो फ्रूट्स अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर में पेस्टिसाइड्स जाते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि हर एक इंसान अप टू 50 mg ऑफ पेस्टिसाइड डेली कंज्यूम करता है, जिसके कारण उसको बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी है कैंसर। कैंसर होने का कारण पेस्टिसाइड का कंजम्पशन भी रहता है। जो हम पेस्टिसाइड कंज्यूम करते हैं ये पेस्टिसाइड बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारी होती है। जैसे एक बीमारी कैंसर है, उसके बाद में ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड के प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसको कहीं ना कहीं एक कॉज के तरह देखा गया है पेस्टिसाइड्स को, ये सब बीमारी होने के बारे में। तो फ्रेंड्स हम क्या करें कि हम पेस्टिसाइड्स हमारे बॉडी में कंज्यूम ही ना हो, या फिर जो बहुत कम मात्रा में वो पेस्टिसाइड्स हमारे बॉडी में जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये आज के वीडियो में जानेंगे। जैसे फ्रेंड्स बहुत सारे लोग कुछ सब्जी लाने के बाद में पानी से धोते हैं, या फिर कुछ मार्केट में मिलने वाले दवाइयाँ रहते हैं वो दवाई उसमें डालते हैं और उसके बाद में वो फल या फ्रूट्स को धोते हैं, ये सब चीज़ें सभी लोग करते हैं। लेकिन इसमें से ये सब चीज़ें कारगर है या नहीं, तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा कारगर नहीं है। जो एक मैं आज को एक घरेलू उपाय बताने वाला हूँ जिसके कारण ये पेस्टिसाइड्स आप 90% निकाल सकते हैं। जैसे आप फल या फ्रूट्स मार्केट से लाते हैं उसको बेकिंग सोडा या हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, ये सोडा एक चम्मच डालना है 1 लीटर पानी में, और ये 1 लीटर पानी में आपने जो भी सब्जी या फ्रूट्स लाए हैं इन सबको उसमें धोना है, थोड़ी देर 10 से 15 मिनट उसको रखना है, उसके बाद में उसको अच्छी तरह से वॉश करना है, और उससे वॉश करने के बाद में अपना जो भी पानी रहता है सादा पानी से भी आप उसको एक बार वॉश कर लीजिए, और ये वॉश करने के बाद में आप ये कंज्यूम कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं बता रहा है कि आपको ये 100% पेस्टिसाइड फ्री करेंगे, लेकिन एटलीस्ट 90% पेस्टिसाइड से ये फ्री कर सकते हैं। इसका मेन कारण ये है कि जो बेकिंग सोडा हमारा रहता है अल्कलाइन नेचर का रहता है, और अल्कलाइन नेचर ये जो भी पेस्टिसाइड्स है ये रिमूव करने में कारगर हुआ है, ऐसा एक साइंटिफिक स्टडी में प्रूव हुआ है। तो फ्रेंड्स आप जब भी मार्केट से सब्जी या फ्रूट्स फल लाएंगे तो जरूर आप ये जो मैंने आज का एक ट्रिक या टिप बताया आपको ये ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स मैंने आपको ये जानकारी बताई बेकिंग सोडा से हम फल या फ्रूट्स को धो के किस तरह से पेस्टिसाइड हमारे बॉडी में कंज्यूम होने से बच सकते हैं, आप ये जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स।